कहते हैं कि शान समंदर को देखकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं। जिस दिन भी उठेगा तूफान बनकर उठे, शायद उसने अभी उठने की ठानी नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन उस मैच में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द शो ऑफ डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड हमारी आवाज में। ये कहानी है उस रिवेंज की जो लाखों क्रिकेट फैंस के दिलों में धड़कता है। ये कहानी है उस बदलाव की जो तूफान आने के बाद आता है। ये कहानी है उस दर्द की जिसमें दर्द तो होता है लेकिन उसका कोई मराम नहीं होता। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 6 दिसंबर 2019, जगह हैदराबाद, माहौल इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 मैच। ठीक आज से 2 साल पहले 2017 में इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का वो मैच जिसमें सीन विलियम्स ने विराट कोहली को आउट करने के बाद कुछ इस तरह सेलिब्रेट किया था। लोगों का दिल दहल जाता है इस खिलाड़ी से पंगा लेने, और ये बंदा तो सामने खड़े होकर विराट की रसीद काट रहा था। इसका अंजाम क्या होने वाला था, इसकी गवाही तो सिर्फ वक्त दे सकता और कोई नहीं, क्योंकि ये बंदा विराट की निगाहों में चढ़ चुका था। और जब विराट फॉर्म में हो तो बॉलर का कुछ भी नाम फर्क नहीं पड़ता। अंजाम वही होता है जो विराट चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है द रिवेंज स्टोरी। उस सेलिब्रेशन के बाद विराट पूरी तरह नाखुश थे, क्योंकि विज ग्राउंड में विराट का अपमान हुआ था। एक ऐसे प्लेयर का अपमान हुआ था जो क्रिकेट का किंग कहलाता है, और किंग का अपमान किंग के ग्राउंड में हो ये किंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इसकी भनक ना तो वेस्ट इंडीज को थी और ना ही विलियम्स को थी। ठीक 2 साल बाद वक्त का पहिया घूमा, फिर वही विराट, फिर वही विलियम्स आमने सामने थे। इस बार तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी भनक ना तो विलियम्स को थी और ना ही इस दुनिया को थी, क्योंकि किसको पता था कि 2 साल घटी वो घटना विराट के चैन में आज भी जिंदा है। 2 साल पहले का वो अपमान विराट के दिल में आज भी चुभ रहा है, शायद किसी को नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या होने वाला था कोई नहीं जानता। भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का आमंत्रण दिया और वेस्ट इंडीज ने इस आमंत्रण का भरपूर लाभ उठाया। वेस्ट इंडीज की ओपनिंग से लेकर पोलार्ड की फिनिशिंग सब कुछ बेहतरीन थी, लेकिन आगे क्या होने वाला यह किसी को नहीं पता। वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 207 रन जड़ दिए और अब भारत को जीतने के लिए 120 गेंदों में 208 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य पहाड़ जैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ की कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। ये मैच 2 देशों के बीच कम बल्कि 2 खिलाड़ियों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। 208 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत कुछ खास नहीं। भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा 30 के स्कोर पर चल पड़े, और अब मैदान पर आता है वो इंसान जिसे इस मौके का 2 सालों से इंतजार था, जिसके सब्र का बांध टूट रहा था, जिसका दिल आज भी खोल रहा था, क्योंकि वो जग उसके चैन में आज भी जिंदा था। लेकिन विलियम्स को कहां पता था, उस बंदे ने वो नीच हरकत फिर से की। बात 93 ओवर की, जब विलियम्स ने विराट को फिर से एक बार धक्का मारा, लेकिन इस बार की कहानी वो नहीं होने वाली थी जो लास्ट टाइम हुई थी। इस बार का अंजाम कुछ और होने वाला, इस बार तो इतिहास लिखा जाने वाला। इस धक्के के बाद विराट ने विलियम्स की वो सुटाई की कि वेस्ट इंडीज 207 रन बनाने के बाद में भारत से हार जाता है। उस मैच में विराट कोहली ने नॉट आउट 95 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, एक ऐसी पारी खेली थी जो सेन विलियम्स के पूरे करियर को खत्म कर दी, एक ऐसी धाकड़ पारी खेली जिसके बाद आज तक वेस्ट इंडीज टीम में सेन विलियम्स की वापसी नहीं हो पाई, क्योंकि उस मैच के दौरान विराट ने भी वही सेलिब्रेशन किया था जो सेन विलियम्स ने किया था, और विराट ने भी उनकी रसीद काटी, सेन विलियम्स को बाहर जाने का रास्ता दिखाया। कहा यह जाता है कि इस मैच के बाद ये बंदा उस सेलिब्रेशन को भूल गया, क्योंकि इससे पहले इस बंदे ने कई ऐसे प्लेयर्स का मजाक बनाया जिनको आउट करने के बाद उनकी रसीद काटता था। लेकिन जब विराट ने इसकी रसीद काटी तो ये बंदा आज तक ना तो वेस्ट इंडीज टीम में वापसी कर पाया और ना ही कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेल पाया। तो बॉस कैसी रही द रिवेंज स्टोरी, नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। और अगर आप इसी तरह की शानदार मैच डॉक्यूमेंट्री हमारी आवाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो हमारे द शो ऑफ डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि यहाँ ऐसी शानदार मैच डॉक्यूमेंट्रीज आती रहेंगी।